अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन दिनों तबलीग जमात और मुसलमानों पर काफ़ी हमले किए जा रहे हैं। तबलीग जमात पर हमला इस तरह से कि तबलीग जमात को बदनाम किया जा रहा है कि कोरोना वायरस को तबलीग जमात ने फैलाया है, और मुसलमानों पर हमला इस तरह के जैसे आपने पिछले दिनों देखा कि दिल्ली में एक मस्जिद को दो पुलिस वाले बंद करवा रहे, उसके बाद ही एक मध्य प्रदेश का भी वाक़या सामने आया और जगह जगह पर ऐसे मस्जिदों को बंद करवाने और अजान बंद करवाने के वाक़े पूरे भारत देश से आने लगे। उसके बाद ही दूसरी तरफ ये देखने में आया कि सरकार में बैठे कुछ एमपी एमएलएज मुसलमानों से सब्ज़ी या फिर दूसरी चीज़ें खरीदने को मना कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने इनकी वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और न्यूज़ चैनलों पर देखी है, लेकिन आज की जो खबर है, संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से अंधभक्तों को एक ज़ोरदार तमाचा पड़ा है। सारी जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए खबर की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने अंधभक्तों के मुंह पर तमाचा मारते हुए भारत में कोरोना वायरस के प्रसार को भारत में रोकने के प्रयासों के तहत भारत को 7 मैट्रिक टन चिकित्सक आपूर्ति से भरा सहायता विमान भेजा है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, भारत में कोरोना वायरस को लेकर तबलीग जमात को काफ़ी बदनाम किया गया है। सरकार में बैठे कुछ विधायकों एमपीज के कहने पर मुसलमानों से सब्ज़ी और दूसरी चीज़ें नहीं खरीदी जा रही है। अंधभक्तों की तरफ से रोज़ मुसलमानों को मारा पीटा जा रहा है, ऐसी खबर सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रहती है। वही मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से अंधभक्तों के मुंह पर तमाचा मारते हुए संयुक्त अरब अमीरात ने कोरोना वायरस के प्रसार को भारत में रोकने के प्रयासों के तहत भारत को 7 मैट्रिक टन चिकित्सायी चीज़ें भेजी है, जो मदद यूएई ने भारत में भेजी है। इससे लगभग 7,000 चिकित्सा कर्मियों यानी के डॉक्टर्स को फ़ायदा होगा। अब भारत में डॉक्टर्स को PPE किट और दूसरी ज़रूरी चीज़ें मिलेगी, जो पहले उन सभी डॉक्टरों को नहीं मिला करती थी। ये 7 मैट्रिक टन चिकित्सायी सामान उन लोगों को भी दिया जाएगा जो भारत में कोरोना वायरस को नियंत्रित करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारत में यूएई के राजदूत डॉक्टर अहमद अब्दुल रहमान ने 7 मैट्रिक टन चिकित्सा सहायता वितरण पर बात करते हुए कहा कि यूएई कोविड-19 महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई का दायरा बढ़ाने के लिए राष्ट्रों को महत्वपूर्ण सहयोग देने के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना वायरस का प्रसार और फैलाव एक प्राथमिक वैश्विक चिंता बन गई है, और हमारा मानना है कि वायरस को रोकने के लिए भारत देश में कोरोना की रोकथाम की प्रयासों को मजबूत करने की आवश्यकता है। यूएई ने भारत को जो मदद की है, इससे भारत के डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। जिन डॉक्टरों को अब PPE किट नहीं मिली है, ऐसे डॉक्टरों को भी PPE किट अब इस मदद के ज़रिए मिलने वाली है। कुल मिलाकर यहाँ पर ये बात निकल कर सामने आती है कि जिस तरह से अंधभक्त लोग मुसलमानों से कुछ चीज़ें नहीं खरीद रहे हैं, जैसे सब्ज़ी वगैरह, तो क्या वो इस मदद को कबूल करेंगे? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फ़िलहाल खबर में बस इतना ही। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक कीजिए, उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली खबर में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और आपकी दुआओं में मुझे याद रखिए।